चलो अली भाई देखो ये पुरानी बोल रहा है बस खड़ा यार देखो कैसे भाई सियालकोट देखो ये मशीन बागनी है चाप के बनिया बोल फुल एंजॉय हो रही है मेरा तो आपको पता ही है चलो मैं नहीं चलिए चलिए ठीक है इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सारे ख्याल रखें क्या अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले सबको ईद मुबारक हो। अच्छा ये आज की हमारी ईद की रेसिपी है चाम मसाला, कढ़ाई टाइप बनानी हमने। ये देखे चाम भी है तकरीबन 2.5 किलो है, 4 से 5 प्याज हैं, 4 से 5 टमाटर हैं। सबसे पहले आते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले ऑयल लेने, ऑयल के अंदर डालना है हमने जीरा, इसमें जायका तो कितने का चम्मच डाल दें। साथ लाने नमक चाय का चम्मच डाल दें, आधा चाय का चम्मच डाल सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि नमक जो भी होगा थोड़ा सा इनको पहले फ्राई कर सकते हैं। अब इसके अंदर डालें चाँप, इसके अंदर चाँप को बहुत कुछ छूटा करना फ्राई करें। ये देखिए माशाल्लाह फ्राई हो गया, तो 4 से 5 मिनट लगते हैं, तो मैं स्टॉप कर लेता हूँ वीडियो को इसलिए कि आपका टाइम वेस्ट ना हो जाएगा। रेसिपी तो वही है, बस थोड़ा सा फ़र्क होता है। अब इसके अंदर डालनी है ये 4 से 5 प्याज आपके, ये डाल दें। ये रेसिपी कुकर में बन सकती है लेकिन हर मेरा मुझे नहीं अच्छा लगता कुकर में। साथ इसके अंदर आपने टमाटर डाल देंगे, तकरीबन 2 गिलास पानी के डाल देंगे इसके अंदर साथ। देखिए अब आपने इसको रखना है आराम से हल्की सी आँच पे पकने के लिए, ऊपर से दे दें इसको ढक्कन। गोश्त को गलने के लिए छोड़ते हैं, तकरीबन 1.5 घंटा 1.5 घंटा लगता है ये गोश्त गलने में इस तरह, और वैसे तो लगती 10 से 15 मिनट कि इंशाल्लाह जी गोश्त गल जाए फिर आते हैं बाकी रेसिपी की तरह। ये देखिए माशाल्लाह 1 घंटा हो गया, और ऐसा करना साथ साथ इसको चेक भी करते रहना। इसके अंदर अब डालने अपने पैसे अभी इसको बना के 2 से 3 चम्मच, और इसके बाद इसके अंदर डालने मसाले, इसके अंदर मिर्ची 1 चम्मच, असल जायका इतनी बार वो कम जा रहा है आपको चाहिए वो रखते करेंगे, हल्दी 1 चम्मच, ये मसाला है मिक्स मसाला ये भी 1 चम्मच, देखिए माशाल्लाह गल गया। अब इनका छिलका रिमूव करना है हमने, सबको छिलके रिमूव करें। देखिए आप माशाल्लाह पानी गोश्त के हिसाब से डालना है, जिस तरह का यानी गोश्त ज़्यादा ना गलने वाला हो ज़्यादा डाल दें, इसको भोनी लगा रही है इंशाल्लाह फिर बताता हूँ क्या करना आगे। ये देखिए माशाल्लाह बस थोड़ा सा गल गया है गोश्त, मसाले वगैरह डाल दिए, बस अब दही डालनी इसके अंदर, बस ये कि पानी थोड़ा सा कुछ हो जाए तो उसके बाद दही डालनी है। इसलिए थोड़ी थोड़ी आपको वीडियो बना रहे हैं, ज़्यादा लंबी नहीं इस तरह, अगर पूरी बनाएगी तो 2-3 घंटे की वीडियो बनेगी, फ़ायदा नहीं। ये देखिए थोड़ा सा पानी कुछ हो जाएगा भोनी लग जाएगी, तो उसके बाद इंशाल्लाह दही डालते हैं, तो फिर बताता हूँ मैं आपको बिल्कुल इस वक्त क्या डालना है। फिर पानी थोड़ा सा कुछ हो गया, ये देखिए माशाल्लाह
अब इसके अंदर डालनी दही हमने, ये दही डालना। अब इसको बिल्कुल हल्की यहाँ पे आंच पे बनाना है, जैसे दम नहीं होता, दम लगाना है अब इसको, समझ लें। अब इसको लगाना है हमने दम, ये देखें। इसको ऊपर से कर ढक दे और हल्की सी आँच करते हैं बस 10 से 15 मिनट के लिए इंशाल्लाह, तो फिर ये आपका तो रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह ये रेडी हो गया हमारा, देखें उसको तो डिश आउट खुला सा। ये देखें माशाल्लाह ये चा मसाला हो गया आपका रेडी, देखें माशाल्लाह, देखें कैसा लग रहा है। और ये भी देखें माशाल्लाह। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगती है, हमें सब्सक्राइब किया करें और शेयर और फॉलो की लाइक किया करें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलते हैं। ओके, अपना ख्याल रखें। बाकी ये देखें और ये धनिया माशाल्लाह, ये देखिए चार मसाला हमारा है। अब हम खाते हैं इधर बैठ के इंशाल्लाह दोस्तों के साथ जो है होती है। अपना बहुत ख्याल रखें। चलो अली भाई, या देखो जी पुरानी बोल रहा है सारा बचपन का यार, देखो कैसे भाई सियालकोट, आ देखो जी माशाल्लाह बागड़ियां गंदी चांपा चांपे पत्तियां फुल, ये देखिए माशाल्लाह फुल एंजॉय हो रही है। मेरा तो आपको पता ही है। चलो हम रोटी खा लिए, चले ठीक है इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। सारे अपना ख्याल रखें, टेक केयर, कटो।